बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मैं आया हूँ मेरे सुपरस्टार यानी भैया जी सुपरस्टार फिल्म की मुहूर्त में आया हूँ। मेरे साथ है बिरबल जी, मेरे हीरो हीरोइन और मेरे साथी सारे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकार और लिरिक्स राइटर भी। और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी यंग बच्चों के साथ में हम दोनों को, हम लोग भी यंग ही हैं, बुलाया जाता है। और बिरबल जी का तो ये कहूँगा कि ये मेरे से सीनियर हैं और इन बच्चों के सामने मैं सीनियर हूँ, तो ये समझिए कि गंगा जमुना का एक संगम हुआ है यहाँ पे इस फिल्म में। और सुपरहिट भैया जी जो टाइटल रखा गया है ये अपने आप में बहुत ही सुपरहिट है। और जो इनका उद्देश्य है, मतलब खास करके जो मैं अभी सुना इन लोगों से महसूस किया कि जो भोजपुरी फिल्मों में बीच में जो दौर आ गया था थोड़ा सा फोड़ पड़ने वाला, क्योंकि भोजपुरी एक संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान के, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, वैसे बिहार की भी एक संस्कृति है जो हमारे, हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक संस्कृति जो कि धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों से हट रही थी। तो अभी ये लोग, बच्चे लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हट के फिल्म लेके आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट। और मैं समझता हूँ कि देखिए चेंज तो धीरे धीरे हर चीज़ होती है, मगर जब एक चीज़ की अच्छी की शुरुआत होती है तो लोग उसके पीछे चलते हैं जब वो हिट होती है। तो जैसा इसका टाइटल है सुपरहिट भैया जी, वैसे फिल्म भी मेरी तरफ से दुआएं हैं कि सुपरहिट हो। सुपरस्टार भैया जी फिल्म का नाम है, मैं समझ रहा हूँ आज तो आपका दिल ओले ओले जरूर कर रहा होगा। बिल्कुल ओले ओले तो क्यों नहीं करेगा यार, ओले ओले तो जब से मैं हिट हुआ हूँ। मगर एक जरूर कहूंगा, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। सुपर हिट भैया जी, भैया जी, भैया जी, सुपर हिट भैया जी, भैया जी, भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। हाँ बिरबल जी, अब आप हो जाइए। नहीं वो आ गया, बिरबल जी से। अरे कैसे हुजूर, ठीक ठाक, गाना गा के। जरा नए बच्चों की टीम है, आपके आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। अरे हुजूर, मैं पिछले 55 सालों से इस फिल्म लाइन में हूँ, मेरे सामने बड़े बड़े स्टार आए और हर एक का टाइम मैंने देखा है, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब मेरे, अमिताभ बच्चन भी मेरे सामने आया था, राजेश खन्ना भी मेरे सामने आया था, वो भी जब आए थे तो इसी तरह से नए यंग बॉय थे, यंग बॉय थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़े। मैं कहता हूँ ये बच्चे भी मेहनत करें, आगे बढ़े, काम करें, मेहनत से काम करें और सुपर हिट हो, फिल्म का नाम भी सुपर हिट भैया है और ये भी सुपर हिट हो जाए, यही मेरी भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और वैसे मैंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, इसमें भी करेंगे, करेंगे, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। तो एक फिल्म आई थी सुहाग बिंदिया, उसमें गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ था, मैं उसकी लाइनें भी सुना देता हूँ। बिल्कुल। काहे रतिया जगाए दिया हमका, काहे रतिया जगाए दिया हमका, हमका जगाए कर दिया तरसाए के, सोई के लुटंगड़ी पसार, हाय हाय, काहे रतिया जगाए दिया हमका। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बोल। नमस्ते, नमस्ते। अभी बेटा कट करो यहाँ और अब ये इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए प्लीज। हैं के लिए तो देखो हर जगह स्पेस है क्योंकि अभी कल्चर है, ठीक है। भोजपुरी में कोई इस कल्चर को लेके नहीं आ रहा था, भोजपुरी उसी ट्रेंड पे वापस चल रही थी, तो इसको एक इनिशिएटिव उठाया मैंने, लेके आए तो काफ़ी प्यार मिला मेरे को, बिहार, यूपी, झारखंड, रांची, हर जगह से मेरे को काफ़ी प्यार मिला। उसके बाद जो ये मूवी लेके आ रहे हैं, ये मूवी भी एक रैप बेस्ड मूवी है जिसमें एक लड़के का गांव से स्ट्रगल दिखाएंगे, कैसे वो सुपरस्टार बनता है, ये पूरी मूवी उस तरीके से बनाई जाएगी और फुल मोटिवेशनल मूवी है। भोजपुरी में शायद उतना पॉपुलर नहीं है, या मेरी शायद जानकारी कम होगी, अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिए।
आप कहीं और भी जा सकते थे, किसी और भाषा में काम कर सकते थे, किसी और फिल्मों में काम कर सकते थे, भोजपुरी बहुत ऐसा कुछ नहीं कि भोजपुरी क्यों, अगर पंजाबी में मुझे जाना होता वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रैपर्स हैं, और अगर मेरे को बॉलीवुड में आना होता तो वहाँ पे भी बहुत सारे रैपर्स हैं, तो क्यों ना एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हम अपने आप को प्रूफ कर सकें और अपने आप को एक नई पहचान दे सकें, और एक लाइक भोजपुरी इज़ लाइक दुनिया सोचती है कि यार भोजपुरी गाना है वल्गरी होगा, ठीक है, तो जो मेरा प्लान है वो ये है कि जिनके दिमाग में यह है कि भोजपुरी सिर्फ वल्गर चीज़ों के लिए पहचानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी में अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, लाइक हमारी मूवी सुपरस्टार भैया जी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक भोजपुर का लड़का, एक बनारस का लड़का किस तरीके से अपने स्ट्रगल को आगे लेके जाता है और कैसे सक्सेस लेता है। हाँ जी, मोन रहे तो नी के खेले के ओ का बोका, बनल मिजाज रहे मिलल ऐसन धोखा, जैसे पिया आके धैले तो के अकवरिया, बाहरी से ठक 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 बाजल रे के वड़िया, दुल्हिन के नाक मुँह ने रख ली हाथ गोड़ ले, बैठल रोहली भोजी नंदी से जिया से भोर ले, से जिया से भोर ले। That's it. बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। ये संतोषपुरी जी का ही है सब। अरे संतोष जी तो बड़े कमाल के हैं। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार हाजीपुर से, और इस इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से हूँ। मैंने मॉडलिंग से अपनी करियर की स्टार्टिंग करी और 2018 में मैं मिस इंडिया बनी, एंड 2019 में इसको और मैंने कंटिन्यू किया, और इससे भी पहले मैंने 2 फिल्में की है और ये मेरी 3rd फिल्म है, और जैसा कि नाम है सुपरस्टार भैया जी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इसकी शूट के लिए, और जितने भी टीम मेंबर्स है बहुत ही ज़्यादा सब, मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा सब डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, तो इसके साथ, इनके टीम के साथ, स्पेशली एमी के टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। इनसे पहले भी मैंने एक और एल्बम करी थी जिसका नाम था लव यू बिहार, बहुत सारा प्यार आप सबने दिया था, और इस बार भी मैं यही चाहती हूँ कि आप सबका ढेर सारा प्यार मिले। चूँकि और बात रही मेरी इस इंडस्ट्री में आने की, तो मैं मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ, मार्शल आर्ट्स कराटे में मैं ब्लैक बेल्टेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल स्टॉपर हूँ, और योगा में भी, तो ये मेरा सब कुछ मिला करके जैसे होता है ना एक चीज़ का मिश्रण, मल्टी टैलेंटेड, तब जाके मैंने सोचा कि इसके लिए अब आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने इसमें कदम रखा है, और बस आप सबका बहुत सारा प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। कराटे वाली बात सुनने के बाद अब पूजा जी अगला सवाल। ओके, मेरी जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो बिल्कुल हिप हॉपर है, मैं एक रैपर हूँ, और मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, एंड इनकी एमी की जो कैरेक्टर है वो है एक गांव वाले, जैसा कि नाम से पता चला होगा भैया जी, लेकिन है बहुत धांसू से, इनकी कैरेक्टर जो है बहुत दमदार है, और इस फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है, और भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, भोजपुरिया समाज एंड जितने भी मीडिया वाले हैं उन सबको तो थैंक यू सो मच, और मैं यही चाहूँगी कि हमारी जिस तरीके की फिल्म है हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी इस टाइम पे तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को एक साफ सुथरा देखता हूँ कि अब आने वाले टाइम में पक्का कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पसंदीदा सिंगर आपके कौन है? सर अभी तक सबसे पसंदीदा कोई भी नहीं है सर। नहीं मतलब किसी के गाने आपको पसंद ही नहीं है? नहीं सर। क्यों, कोई खास वजह? सर क्या आता है आप खुद बता दे, भोजपुरी में क्या चल रहा है, कभी आज तक भोजपुरी को सुना नहीं, जिस ट्रेंड को मैं फॉलो करता हुआ आ रहा था, लाइक मैं पहले पंजाबी ज़्यादा सुनता था, बेसिकली पंजाब से तो पंजाबी ज़्यादा सुनता था, उसके बाद भोजपुरी में जब एंटर हुआ, भोजपुरी में एंटर होने के बाद देखी चीज़ें, लेकिन चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई कि किस तरीके से भोजपुरी में चल रही है, मैं हमेशा से कुछ नया ट्रेंड लेके आना चाहता था, तो भोजपुरी में मैं आया इस तरीके से क्यों आया ही इसीलिए हूँ कि एक नया ट्रेंड आए भोजपुरी में, और सर सिंगर्स वगैरह जो हैं पसंद करता हूँ मैं सबको, ठीक है दिल से है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को सुनता, अभी तक मैंने नहीं सुना है, यूनिक करना है कुछ। मैं हाँ जी हाँ जी, लेकिन किसी आप सर नाम मैंने सबका सुना है, और ऐसा नहीं कि मैंने गाने नहीं सुने, मैंने प्रियंका जी के गाने सुने हैं, ठीक है, और नाम सबका सुना है सर, सबका काम भी देखा है किस तरीके से चल रहा है, लेकिन एक कहते ना कि एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं हम, तो जो हम कंटेंट लेके आ रहे हैं वो हमारा कंटेंट किसी के साथ मैच ही नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा कंटेंट बहुत अलग है, हमारी जितनी टीम है पूरी यूथ है,
जितनी अब हमारे जितने डायरेक्टर हैं, हमारे जो डायरेक्टर है शुभम जी, वो फुल यूथ हैं और मारवा स्टूडियो से हैं। मैं 2016 से इस इंडस्ट्री में हूँ। भोजपुरी मेरा फर्स्ट ट्रैक आया था जय जय बिहार, और रोबन जी के साथ जुड़ा था मैं लव यू बिहार के साथ, जो हमारा अभी लास्ट ट्रैक था। उसके बाद धीरे 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 जैसे मेरे को प्यार मिला, भी जो मेरे को प्यार मिल रहा है भोजपुरी में वो मेरे को बिहार यूपी से तो कॉल आते हैं, लेकिन मेरे को जो मेन कॉल आ रहे हैं वो मॉरिशियस, चाइना, आपका यूरोप, जो वहाँ के बिहार के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ से मेरे को कॉल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैं अपनी मूवी को लेके आ रहा हूँ सुपरस्टार भैया जी, वो अभी जो लोग मेरे को बोलते हैं यार कि आप मेरे को कईयों के मैसेज आते हैं कि आप गंदे गाने मत गाना भैया, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरीके से मेरे पास मैसेज आते हैं। तो मैं उसी पे रहना चाहता हूँ कि मैं लोगों को जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है मैं उस पे खड़ा होता हूँ। नहीं तो फिल्म किसके लिए बनाना चाहते हैं, बिहार यूपी झारखंड वालों के लिए बनाना चाहते हैं या मॉरिशस चाइना और दूसरे देशों के लोगों के लिए बनाना? सर जो मॉरिशस चाइना में है शायद वो भी बिहार से हैं, तो वो भी देखें, जो नहीं देखते हैं वहाँ पे, जो फॉलो नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना हमारी भोजपुरी जितनी बड़ी अपनी है वो सब इस मूवी को देखें, सबके लिए मूवी बन रही है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से, एंड सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार और दुलार देते हैं मुझे और मेरे गानों को। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माय लिसनर्स। एंड अभी आज जो फिल्म है भैया जी सुपरस्टार, इस फिल्म का आज मुहूर्त है जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पर आए हैं। और अभी मैं यहाँ पर आई तो मुझे इस फिल्म के थीम के बारे में पता चला कि ये एक रैप सॉन्ग्स है, एंड कुछ अलग करना चाहते हैं ये टीम जो है, कुछ अलग करना चाहती है। सो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इनको कि ये अच्छा करें और कुछ अच्छा होना चाहिए। हर वर्ग के लोग आने चाहिए, नए लोग भी आने चाहिए इंडस्ट्री में, तभी ये परिवार और बड़ा होता जाएगा जैसे मैं आई। तो सभी का बहुत स्वागत है नए लोगों का इस फैमिली में, एंड बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो जो करना चाहते हैं रैप, एक जो एक विधा है, जैसे कि म्यूज़िक के बहुत अलग अलग विधाएँ होती हैं, तो एक रैप भी है जो कि काफ़ी यूथ लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। एंड तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी लोग इसको पसंद करेंगे। एंड रैप सॉन्ग्स की जहाँ तक बात है, मैंने एक गाना गाया था वीमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें मैंने खुद भी रैप गाया है, एंड ये पूरी जी का ही लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी अच्छा सारे रैप मेलोडी भी वेरिएशन वेरिएशन सो प्रेम प्याला खाली भर जाए जी। सो मैंने भी गाया है रैप, एंड मेरा एक और सॉन्ग है दिलफेक आशिक, जो कि एक एल्बम के थ्रू मैंने गाया था, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है ये दोनों गाने, तो उसमें भी मैंने रैप गाया था। सो रैप हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। सो मैंने अपने स्टाइल में गाया था। सो एंड तो रैप ऐसा था, वीमेन एम्पावरमेंट का रैप ऐसा था, कैसे था? आई वांट अ जस्टिस ऑल फॉर वुमनिया, आई वांट अ जस्टिस ऑल फॉर वुमनिया, वुमनिया लव के झांसा दे के इज्जत में लगवला दागी, हीरो से विलन हो गईला छोड़ के गईला भागी, चुप रही ना हो चुप रही ना बन के बेचारी, सावधान बलात्कारी अब जाग गईल बिया नारी, सावधान बलात्कारी ई पाप हा बहुते भारी, सावधान बलात्कारी। कल बानी थाना में हम जाके FIR, कानून के हाथ से बचना पैबा हो जा जहां फरार, जैसन करनी वैसन भरनी सुन ले पापी का सैया, अब पाप के घैला भर गल तो हर मिली तो के सजैया, अब मिली तो के सजैया। सो दैट इज द सॉन्ग, थैंक यू सो मच। एंड एक रोमांटिक सॉन्ग भी हमने किया था जिसमें भी रैप गाया था, दिल फेक आशिक। तो ये दोनों गाने मेरे चैनल पर आप सभी सुन सकते हैं, प्रियंका सिंह यूट्यूब चैनल है मेरा, एंड पूरी जी ने लिखा है। सो थैंक्स टू यू। अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, ऐसा क्या है कि ये सारे रैप सॉन्ग्स आपके हैं? इसलिए कि हमको लगता है कि अब मेलोडी के तरफ जाने से लोग सो जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, और उस जोनर के थ्रू हम लोग नहीं अश्लीलता को हटा पा रहे हैं, क्योंकि इतना हावी हो गया एक ड्रग्स के तरह, एडिक्टेड आदमी हो गया है, और बहुत ही एक बीमारी के तरह हो गया है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरे शरीर में फैल सकता है, पूरे समाज को ले डूबेगा, आने वाला जनरेशन हमारा
यही सब याद करने वाला है जो चल रहा है। तो हमने मेलोडी भी गाने बहुत बना के हमने कोशिश की, अभी प्रेम प्याला खाली भर गया प्रियंका सिंह ने गाया, बहुत प्यारा गाना और उसके थ्रू, लेकिन उसको करोड़ों व्यूअर नहीं मिले, 15 लाख लोग देखे हैं, 20 लाख देखे हैं, लेकिन ऐसे गानों को जब पब्लिक नहीं सपोर्ट करता है तो एक कलाकार को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता है, दुख होता है कि आखिर इतना अच्छा गाना होते हुए भी वल्गेरिटी के तरफ अपना समाज भाग रहा है, आखिर क्यों देख रहे हैं उसको लोग, क्यों पसंद कर रहे हैं। अच्छा पब्लिक, तो हम लोग हार नहीं माने हैं। मुझे बचपन से सिनेमा में इंटरेस्ट था तो मैंने अपना नाम सिनेमाई शुभम रखा हुआ है, जो सिनेमेटिक शुभम का हिंदी है वो सिनेमाई शुभम है। तो यही मेरा नाम कि बचपन से मुझे फिल्म बनाने का शौक़ है, फिल्म मेकिंग का है। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी से। हाँ, तो यही है कि अब मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट फिल्म लेके भोजपुरी में, और भोजपुरी में इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी का अभी जो लेवल है वो अगर कंपेयर किया जाए तो पंजाबी और हरियाणवी से कम है। ये नहीं बोलूँगा कि भोजपुरी अभी वीक है, यह है, लेकिन जो भोजपुरी चल रहा है वो बॉलीवुड और पंजाबी और इनसे लेवल इनका नीचे है। तो हम ऐसी भोजपुरी में मूवी बनाएंगे जो बॉलीवुड वाले हमें रीमेक करें। साउथ की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक होती हैं, भोजपुरी की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक क्यों नहीं होती हैं? तो हमारा यही प्रयास होगा कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्में दें जो बॉलीवुड वाले हमारे भोजपुरी फिल्मों का रीमेक करें। आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको भोजपुरी के बड़े दिग्गज और नामचीन स्टार्स की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपकी डिपेंड करते हैं, नाम पे कुछ नहीं होता, एक नाम के अकॉर्डिंग कैरेक्टर भी होना चाहिए। एज अ डायरेक्टर अगर मेरी कोई स्टोरी है तो मैं उस कैरेक्टर के हिसाब से किसी, ये नहीं कि आर्टिस्ट को लेके उस कैरेक्टर का वो कर दूँ, तो नाम के हिसाब से उस कैरेक्टर का भी रहना बहुत ज़रूरी होता है जो स्टोरी में रिक्वायर्ड होती है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई स्टार और ये है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्रेशर एक्टर लेके भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारी फिल्म की सॉन्ग्स जो होंगे वो बाहर शूट होंगे, दुबई होगा या थाईलैंड होगा। हाँ, और हमारी जो मूवी रेस्ट पोर्शन है वो हमारे बनारस में शूट होगा, और ये इसकी शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होगी। आपको कब तक लगता है कि कितने शेड्यूल में और कितने दिन में आपकी पूरी हो जाएगी फिल्म, कब आप रिलीज करना चाहेंगे? ये फिल्म को मेरा जो टारगेट है रिलीज करने का 1 जनवरी को है, उसके लिए हम लोग अभी से पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। और ये भोजपुरी में ऐसा फर्स्ट टाइम होगा, पूरी प्रयास हो रही है कि ये भोजपुरी फिल्म PVR में भी चलेगी। तो ये भोजपुरी का फर्स्ट अचीवमेंट होगा जो हम इस फिल्म को PVR में लॉन्च करेंगे। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। कथा तो ये शुभम की है जी। मेरा काम सिर्फ स्क्रीन प्ले ही था और डायलॉग करना था, लेकिन चूंकि रैप इनका मेन फोकस है और भोजपुरी को एक भोजपुरी में पहली बार ये ट्रेंड लेकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक चैलेंज है। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है और देखते हैं आगे क्या होता है। नई टीम है जी। हाँ जी, बड़ी एनर्जी, बड़ी ऊर्जा है इनमें। हाँ हाँ, और वो ऊर्जा जहाँ भी लगेगी, जिस तरफ भी लगेगी, उसका कुछ ना कुछ बेहतरीन रिजल्ट जरूर नजर आएगा। बेसिकली मैं भोजपुरी स्क्रीन प्ले राइटिंग नहीं करता, हिंदी करता हूँ मैं, मेरा म्यूजिक फील्ड है। वैसे भोजपुरी फिल्मों में कई मेरे गाने सुपर हिट हुए हैं, ए पिया पपिया से कल्पना जी ने गाया है, और उतरे किरणिया सांझ के या आलोक ने या उदित सर ने, सब ने गाया है, मेरा म्यूजिक फील्ड भी रहा है। ये मैं हिंदी में स्क्रीन प्ले डायलॉग या वो करता हूँ। अभी हमने मचान एक फिल्म की पूरा, क्योंकि शुभम का जो कंटेंट था ये चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि ये कुछ अलग है, और मुझे इस लड़के को सपोर्ट करना चाहिए। जो ऊर्जा देखी हमने इसमें, जो एक आग है, मैंने कहा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग जो है ना, जो ये जैसा कि आपने कहा कि ये पूरी तरह से एक यूथ है, ऐसा नहीं है। संजय ये अपने संतोषपुरी जी जो कि बहुत ही अनुभवी हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं, संतोषपुरी जी जो कि काफ़ी अनुभवी है, मेरा भी एक अपना लंबा अनुभव है, वो सब अनुभव है इनके साथ। तो पूरी तरह से भी मतलब नई टीम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी तो इसी ये पार्ट है। सर जी, आप तो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बातें भोजपुरी फिल्म की हो रही है जी, नई टीम है। मैं समझता हूँ भाषा या बोली बहुत मायने नहीं रखती, आप किस क्वालिटी का काम करते हो बहुत मायने जी। बिल्कुल, क्या ओपिनियन रखते हैं आप भोजपुरी फिल्म के बारे में? जैसे ये डायरेक्टर हैं, जैसे इन्होंने बात की, फिल्म जो है सबसे मेन होता है डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर तो एक माँ की तरह होता है, लेकिन जो फिल्म का जो बाप होता है वो डायरेक्टर होता है। और जिस तरह से इन्होंने बात की है, जो सुनने में आया मेरे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एक नई दिशा में भोजपुरी सिनेमा जा सकता है।
नई उम्र का बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है अपने कॉन्सेप्ट को। कॉन्फिडेंस ही सबसे मेन चीज़ होती है, और जब भी कोई पहली बार आता है तो नई उम्र का ही होता है। वैसे आप बॉलीवुड वाले हमारे भोजपुरी फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं सर, आप लोगों की क्या राय होती है? आप भी मानते हैं कि भोजपुरी फिल्में वल्गर हैं, लो कास्ट उसकी कास्टिंग होती है बड़ी अजीब? सर ये अपने अपना अपना देखने का नजरिया है। अगर आप बॉलीवुड में भी फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा वल्गरिटी। ये अपना अपना देखने का नजरिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब नजरिए पे डिपेंड करता है। थैंक यू सर, आप हमसे बहुत बहुत शुक्रिया।